किसी भी कंडीशन में उसका दिमाग कैसा चल रहा है, ये सब चीजें। तो ऐसे आपको कंडीशन जरूर देगा वो भी जिसमें आपको तुरंत फैसला लेना हो रहा है। अब फर्स्ट ईयर से ही आप बोले पदार्थ विज्ञान हो गया, कोई भी सब्जेक्ट, संस्कृत है, संस्कृत अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको कहीं अपना गोल सेट करिए और आप ये एनालाइज करिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, किस माध्यम से पढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पल्स मेडिकल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने खास मेहमान से जिनका नाम है अभिषेक सिंह जाडौन, जो कि मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले हैं और अभी RAC वाराणसी में संहिता की पढ़ाई कर रहे हैं, PG कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है कि उनका अभी हाल में हुए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑप्शन में भी सिलेक्शन हो गया है। इससे पहले पिछले साल उनका सिलेक्शन CRAB में 4 सूत्र के लिए हुआ था। तो आखिर कैसे लोग एक साथ इतने एग्जाम निकाल लेते हैं, इस पर हम चर्चा करें। एक्चुअली एक साथ सारे एग्ज़ाम निकालना ये बड़ी बात नहीं है, मेन चीज़ है कि आपने क्या सोचा है, क्या सोच के आप पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। मेन चीज़ है कि जैसे अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो फिर कोई भी एग्ज़ाम हो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर उस थ्रेशोल्ड तक आपकी तैयारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। तो आप अपना गोल सेट करिए और आप ये एनालाइज़ करिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, किस माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में भी बोला गया है कि पहले आप जो बोलते हैं कि संहिता, या मतलब जिस विषय को सेलेक्ट करिए कि हमें पढ़ना क्या है, फिर उसके बाद गुरु को सेलेक्ट करिए, ऐसा होता है। तो आप पहले आप लोग ये डिसाइड करिए कि कैसे पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद में कोचिंग डिसाइड करिए कि किससे करना है। और मेन चीज़ ये है कि खुद से ही पढ़ना, ये मेन चीज़। अच्छा, किस प्रकार से टाइम मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से UG के साथ साथ PG की तैयारी या फिर AMO की तैयारी कैसे इतना संभव हो पाता है? UG के स्टूडेंट के लिए तो सबसे एक संदेश यही है कि UG को जितना अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस वही है, अगर UG के सब्जेक्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लिए, कमांड कर लिए, तो कोई भी तैयारी हो वो एक तरीके का आपका रिवीजन टाइप का लगेगा। और अगर आपने UG में सही से नहीं किया है तो बहुत बर्डन लगेगा, बहुत भारी चीज़ लगेगी, ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नया नहीं, तैयारी में कुछ नया नहीं करते हैं, बस वही उसी को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे जैसे छात्रों का सवाल होता है कि सही समय प्रिपरेशन का क्या है, फर्स्ट ईयर है, इंटर्नशिप है, या फिर फाइनल ईयर में आते आते शुरू हो जाना चाहिए? पहली चीज़ ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि तैयारी का समय कौन सा है, हाँ। तो समय तो कभी से ही है कि जब आप एंटर कर गए हैं BMS जी, वो ही सबसे शुरू का समय है जब आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपको केवल प्रैक्टिस ही करनी है तो आपको क्लिनिकल नॉलेज को कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं, कहीं भी छोड़ना नहीं है, उस हाँ। उस माइंड ओरिएंटेशन के साथ आपको पढ़ना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका क्लिनिकल यूज क्या है जी। ये सब चीज़ें। और अगर आपको पता है कि PG करना है तो सीनियर्स बताएंगे आपको कि कैसे क्या पढ़ना है। अब फर्स्ट ईयर से ही आप बोले पदार्थ विज्ञान हो गया, कोई भी सब्जेक्ट, संस्कृत है, संस्कृत अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के संहिता में दिक्कत आएगी। तो फर्स्ट ईयर से ही वो तैयारी का फेज होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ऐसे भी तैयारी नहीं करनी है कि अब PG की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में सब तैयारी है, वो गलत है। मतलब कहने का मतलब फर्स्ट ईयर को आप अच्छे से पढ़िए, सेकंड ईयर को अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और जैसे फाइनल ईयर खत्म हुआ फाइनल ईयर में आ जाओ। अच्छा, मेरे कहने का मतलब अगर फाइनल में भी आ जाते हो तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि अब थोड़ा स्पीड पकड़ना। अच्छा, ये चीज़। ओके, अच्छा एक सवाल और, जैसे कि आप इंटरव्यू में गए AMO के, तो उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए, क्या इंटरव्यू में कोई डर ऐसा? देखिए, डर तो सभी को लगता है ना। अच्छा, डर की आगे जीत है सब। बिल्कुल है। तो कोई भी आप नया काम करेंगे आपको डर लगेगा, मन में आएगा, लेकिन डर को इतना हावी भी नहीं होने देना है कि आपका सब खराब ही हो जाए। और जैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हाँ। क्वेश्चन के लिए ये होता है, पहले तो आप ये समझिए कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। ओके, और वो जो सामने वाला बैठा है वो आपको किस नज़रिए से देखना चाह रहा है या किस आधार पे तौलना चाह रहा है, तभी ना आपको पता चलेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो आप एक जा रहे हैं चिकित्सा अधिकारी के पोस्ट के लिए, तो चिकित्सा अधिकारी के क्या दायित्व तो हैं, क्या उसमें गुण होते हैं, वो चीज़ को वो परखना चाहेगा। ओके, अधिकारी का यही है कि किसी भी कंडीशन में उसका दिमाग कैसा चल रहा है, हाँ। ये सब चीज़ें। तो ऐसे आपको कंडीशन जरूर देगा वो भी जिसमें आपको तुरंत फैसला लेना हो रहा है। ओके,
ना कि क्या करना नहीं करना, ये वो चीज़ है। तो ऐसा भी है क्या उसमें कुछ सिलेबस के भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे? बिल्कुल, सिलेबस आपका आयुर्वेद का सिलेबस है, तो आयुर्वेद अगर बोल दिया तो फिर हाँ पूरा आ जाता है। हाँ, और आप एक चिकित्सा अधिकारी के लिए हैं तो आप एक तरीके से वो सारे भी क्वेश्चन आएंगे जो एक आईएएस लेवल के, लेवल मतलब लेवल उनका अलग होता है। हाँ, जब पीसीएस एग्जाम को ले रहा है तो इंटरव्यू में दो लोग बैठते हैं, दो क्या पिछले इंटरव्यू में तीन लोग भी बैठते हैं। जी। एक आपका आयोग का मेंबर होता है जो कि आपकी एक अधिकारी जैसे ऑफिसर रैंक के क्वेश्चन पूछता है, और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। ओके। तो आप आयुर्वेद से हैं तो आयुर्वेद से रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं। श्लोक वगैरह भी पूछा जाता है क्या? बिल्कुल, श्लोक पूछा जाता है। मतलब श्लोक का मतलब ये नहीं है कि अगर आप अभी मैंने बोल दिया कि श्लोक पूछा जाता है तो आप आज से श्लोक रटना शुरू करें, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट श्लोक होते हैं उनको तो याद रखना ही चाहिए। अब आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो मुझसे भी श्लोक पूछा गया था ज्वर के चिकित्सा सूत्र का। अच्छा। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, श्लोक मुझे तो याद नहीं है, लेकिन जो भी श्लोक में है जो चिकित्सा है वो मुझे वो सारी मैंने उनको बताई है। हाँ। और जैसे ही मैंने बताई मुझे श्लोक भी याद आ गया, फिर मैंने श्लोक भी बताया। तो ऐसा है, श्लोक का कोई ये सीन नहीं है कि श्लोक ही याद करना है, लेकिन आपको श्लोक डिकोड करना और ये सब चीज़ें आना चाहिए। चलिए, आज इस बात को ख़त्म करते हैं समय अभाव के कारण। फिर कभी मिलेंगे और लंबी बातचीत करेंगे।